और वहीं ईरान में हिजाब पर अब दो धड़ों में ये मुल्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिजाब के खिलाफ बीते 9 दिन से महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं ईरान में, अब उससे हिजाब के समर्थन में भी हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई। दुनिया में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश दिखा, सरकार के खिलाफ महिलाओं की नाराजगी दिखी, लेकिन कल जो ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ वो ईरानी महिलाओं को झकझोर देने वाला था। हजारों की तादाद में कल लोगों ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में आयतुल्ला अली खामनेई के पोस्टर थे और लोग हिजाब के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल रहीं और हिजाब पहनकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहे प्रदर्शन की आवाज को कुचलने जैसा है, जो पिछले 9 दिनों से ईरान की महिलाएं बुलंद कर रही हैं। 5 दशक बाद ईरान में ऐसी हिजाब क्रांति देखने को मिली है। पूरे ईरान में ऐसे ही हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं कहीं बाल काटकर तो कहीं हिजाब की होली जलाकर विरोध जता रही हैं।